हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लासियास टेस्टी बाउल। आज हम बनाएंगे इंस्टेंट मैंगो पिकल। ये आप इजीली 20 डेज तक स्टोर करके रख सकते हैं और ये सिर्फ 5 मिनट की रेसिपी है। चलिए प्रोसेस देखते हैं। ये मीडियम साइज़ का मैंगो है, इसे हमें साफ़ धो के इसका वाटर पूरा हमें ड्राई करना है। इसके बाद इसे पील करके हम इसके छोटे पीसेस कर लेंगे। पीसेस करने के बाद हमें इसे 2 घंटे के लिए सनलाइट में रखना है ताकि इसका मॉइस्चर पूरा चला जाए, पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए इसमें। ये सारे मेजरमेंट्स मीडियम साइज़ के मैंगो के हैं। यहाँ पे मैंने 50 ग्राम्स रेड चिली पाउडर लिया है। इसके बाद 50 ग्राम्स सॉल्ट, ये पिकल का सॉल्ट है, ये आपको स्टोर में मिल जाएगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे मस्टर्ड और मेथी सीड्स दोनों को रोस्ट करके उसका पाउडर बनाया था, वो हम 25 ग्राम्स ऐड करेंगे, यानी हाफ ग्लास। अभी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसे। यहाँ पे मैंने पीनट ऑयल लिया है, यानी फली का तेल। पिकल्स में हमेशा पीनट ऑयल ही बहुत अच्छा टेस्ट लेके आता है। ये ऑयल को हम पहले थोड़ा सा गरम कर लेंगे और इसमें 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स ऐड कर दिया है और 1 टीस्पून हींग ऐड कर देंगे इसमें। हींग ऐड करने के बाद हम स्टोव ऑफ कर देंगे और ऑयल जो है उसे थोड़ा सा ठंडा होने तक हम वेट करेंगे। हम गरम तेल यूज़ करेंगे तो पिकल जो है वो डार्क शेड में आ जाएगा। ये देखिए अभी ठंडा हो गया है ऑयल, अभी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हमें इसे पूरा 1 दिन के लिए साइड पे रखना है ताकि जो मसाले हमने इसमें ऐड किया है वो मसाले पूरे मैंगो अच्छे से अब्जर्व कर लें और अच्छा एक फ्लेवर आ जाए इसमें। ये देखिए 1 दिन के बाद ऐसे लगता है अचार और साइड से ऑयल रिलीज़ हुआ है, इसका मतलब कि अच्छे से रेडी हो गया है पिकल। ये आप गरम राइस में इसे खा सकते हैं, ये डोसा में भी अच्छा लगेगा, चपाती में भी आप इसे खा सकते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिए। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।